दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। सुबह से ही दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद दिल्ली में लोगों को भारी जाम का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम में हो रही लगातार हलचलों के चलते दिल्ली की हवा लगातार साफ सुथरी बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग के मुताबिक मंगलवार का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 72 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को संतोषजनक श्रेणी में रखा जाता है। सफर का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच साफ सुथरी हवा का यह स्तर बना रहेगा। राजधानी में बारिश के साथ साथ चारों तरफ आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। बुधवार सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण दिल्ली की कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। दिल्ली में बादलों के छाए रहने से दिन में ही अंधेरा छा गया है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 19 अगस्त को दिल्ली में भारी बारिश के आसार। पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। इससे न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने भी दिल्ली में अगले 2 से 3 दिन तक बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मंगलवार को भी दिल्ली में पूरे दिन बादल छाए रहे और कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई। इससे दिल्ली के तापमान में गिरावट आई है। मंगलवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। राजधानी में हवा में नमी का स्तर 98% तक रहा। दिल्ली के सटे हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के तटीय, पश्चिमी और मध्यम हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। राजस्थान के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी दिल्ली के साथ।